हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोल्डी गुलाब जामुन की रेसिपी। तो सबसे पहले एक परात ले लेंगे, फिर एक चलनी में अच्छी तरीके से जो इसके अंदर आटा रहता है उसको चाल लेंगे ताकि इसमें कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए। और गाइज, अभी आटे को मैंने अच्छे से चाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मतलब इसको दूध से अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आटा देके अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा सानना है आटा। तो अभी मेरा आटा बहुत अच्छे से मतलब गुलाब जामुन का आटा अच्छे से सनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है। अब इसमें डालेंगे पानी और हम लोगों को एक तार की चाशनी बनानी है। तो जब तक फिर इसको पानी डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म करेंगे जब तक चीनी घुल ना जाए, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर ये हाथ में चिपकने लग गया है तो मतलब बन जाएगी चाशनी। तो अभी मैंने देखिए पानी डाल दिया, इसको चलाएँगे अब और फिर अभी देखते हैं जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर ये अपने आप चीनी गायब हो जाएंगे इसमें से। और गाइस, यहाँ पर देखिए आप लोग, एक तार की चाशनी बनकर बहुत अच्छे से रेडी हो गई। मैंने चेक किया, एकदम परफेक्ट है चाशनी, क्योंकि हाथ में ऐसे चिपक रही है, मतलब परफेक्ट है। अब चलते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो आटा सान के रखे थे इसको 20 मिनट तक मैंने रखा था, फिर अब इसे अच्छे से गोला बनाएंगे अपने हाथों के सहारे से। और बीच में मैंने इलायची डाली है। इलायची डालने के बाद एकदम जब गोल गोल शेप दे देंगे उसके बाद इसे रिफाइंड तेल में डीप फ्राई करेंगे। और गाइस, तेल हल्का ही गरम रखिएगा वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने एकदम लो फ्लेम पे गैस रखा है और अब इसे अच्छे से धीरे धीरे साइड साइड से तेल चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ राउंड होकर रेड हो जाए। और जब बहुत अच्छे से रेड हो जाएगा तो अब देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और अब इसे चाशनी में डाल देंगे। और मैंने बहुत छोटी छोटी सी बॉल बनाई थी और देखिए इतना बड़ा बड़ा मतलब गुलाब जामुन शेप का बन गया है। और मैंने बहुत अच्छे से इसको रेड किया एकदम स्लो फ्लेम पे ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। गाइज, ये देखिए कच्चा वाला मतलब ये छोटा साइज है और फ्राई करने के बाद इसका साइज इतना बड़ा हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं आटा एकदम परफेक्ट सना हुआ था और अभी इतने सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। और अभी गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर एकदम रेडी है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन अभी खा नहीं सकते, शाम को पूजा में चढ़ाना है। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। अभी इसको 6-7 घंटे के लिए रखेंगे ना तो ये और बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी इसमें चीनी मतलब ये चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हुई है, और जब ये दोनों आपस में घुल जाएंगे ना तो और टेस्टी हो जाएगा। अभी देखिए आप लोग, बन के एकदम रेडी हो चुका है मेरा गुलाब जामुन और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है दिखने में, और खाने में भी आई श्योर बहुत यमी होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।